वेल हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में। और गाइस आज की वीडियो बेसिकली पोकेमोन क्विज पर होने वाली है, जहां पर मैं आप लोगों को पोकेमोन के रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा और उनके आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे से 5 सेकेंड। और गाइज मैं पहले बता दूँ कि यहाँ पर 3 राउंड होंगे। पहला होगा हार्ड क्वेश्चन, फिर राउंड 2 में होगा सुपर हार्ड क्वेश्चन और राउंड 3 में होगा अल्टीमेट हार्ड क्वेश्चंस। तो पहले राउंड 1 में जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से मुश्किल होंगे, फिर राउंड 2 में जो सुपर हार्ड क्वेश्चन होंगे वो हार्ड क्वेश्चंस के मुकाबले थोड़े बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होंगे, फिर आखिर में जब अल्टीमेट हार्ड क्वेश्चन होगा वो सचमुच बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होंगे। और अगर आप में से किसी ने भी सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए ना, तो मैं मान जाऊँगा भाई आपका कोई जवाब नहीं है। तो रूल्स तो मैंने बता दिए और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 5 सेकेंड। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन राउंड 1 हार्ड क्वेश्चन। तो इस राउंड का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ऐश के किस पोकेमोन ने सबसे ज़्यादा बार पोकेमोन के एनिमी में अपनी सबसे ज़्यादा बार एबिलिटी को यूज़ किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 5 सेकेंड। तो सही जवाब है इन्फरनेप। क्वेश्चन नंबर 2। तो गैलर रीजन में ऐश अपने सारे पुराने पोकेमोन से मिलता है और वहीं पर वो अपने चार्जार्ड से भी मिलता है, बट इस बार चार्जार्ड में हमें एक यूनिक चीज देखने को मिलती है। तो आपको ये बताना है कि वो यूनिक चीज क्या थी। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड। और सही आंसर है कि पहली बार चार्जार्ड ऐश के साथ मिलने के बाद पहली बार वो प्लेन थ्रोअर ऐश को हिट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइज वैसे तो हमने पोकेमोन में पिकाचू के कई सारे बैटल्स देखे हैं, पिकाचू ने कई सारे बैटल्स जीते भी है, बट आपको ये बताना है कि पिकाचू की अब तक की सबसे ईजीएस्ट विक्ट्री कौन सी थी, मतलब किस पोकेमोन को पिकाचू ने सबसे आसान तरीके से बैटल में डिफीट किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपके पास है 5 सेकेंड। तो सही आंसर है पिकाचू वर्सेस पैरासेट की बैटल। तो आप लोगों को पोकेमोन का ये वाला एपिसोड तो याद ही होगा, जहाँ पर ये ट्रेनर अपने पैरेस को इवॉल्व करवाने के लिए ऐश के पिकाचू के साथ बैटल करती है, बट इस बैटल में पिकाचू इजीली थंडर अटैक करके पैरेस को बैटल में हरा देता है। क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइज ये तो हम सभी को पता है कि पोकेमोन के वर्ल्ड में एलिट 4 के मेम्बर कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल कि वो कभी कभी या फिर ज़्यादातर वक्त पर ही वो अपने पोकेमोन के सिर्फ एक ही हिट से ट्रेनर के किसी भी पोकेमोन को बैटल में डिफीट कर देते हैं। बट गाइस यहाँ पर तुम्हें बताना है कि किस ट्रेनर ने अपने सिर्फ एक पोकेमोन के सिर्फ एक ही अटैक से एक एलिट 4 के मेंबर के पोकेमोन को बैटल में डिफीट किया है। तो तुम्हारे पास है सिर्फ 5 सेकेंड। तो सही आंसर है अलान और चार्जार्ड एक्स, जहां मेगा एवोल्यूशन एपिसोड 4 में चार्जार्ड और अलान का बैटल होता है मेलवान और उसके हाउंडूम के साथ, जहां पर मेगा चार्जार्ड एक्स सिर्फ एक ही ब्लास्ट बन की मदद से मेलवान के हाउंडूम को बैटल में डिफीट कर देता है। तो यस, अलान एक लौता ऐसा पोकेमोन ट्रेनर है जिसने अपने पोकेमोन के सिर्फ एक ही शॉट से यानी कि सिंगल हिट से एक एलिट 4 के मेंबर के पोकेमोन को डिफीट किया है। तो शायद इसीलिए अलान इतना ज़्यादा पावरफुल है और इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। तो अब तुम्हें यह बताना है, वैसे तो हमने पोकेमोन के एनिमी में ऐश के कई सारे ऐसे राइवल देखे हैं जो कि काफ़ी लंबे समय तक ऐश के राइवल रह चुके हैं और उनमें से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल राइवल्स भी रह चुके हैं, बट तुम्हें यहाँ पर बताना है कि ऐश का कौन सा ऐसा राइवल है जिसने ऐश के साथ राइवलरी ख़त्म होने के बाद भी ऐश के साथ सबसे ज़्यादा बार मीट किया है, यानी कि ऐश के साथ जर्नी के दौरान उसकी मुलाकात ऐश के साथ हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तुम्हारे पास है सिर्फ 5 सेकेंड।
सही आंसर है गैरी। तो यहाँ पर हमारा हार्ड क्वेश्चन का राउंड वन होता है ख़त्म और शुरू होता है राउंड टू सुपर हार्ड क्वेश्चन। और गाइज मैं पहले ही बता दूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर। क्वेश्चन नंबर वन, अब मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बट सारे के सारे मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है सारे के सारे मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन्स में। एटर्निटस एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जिसकी वो चीज़ यहाँ मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन से मैच नहीं करती, तो तुम्हें बताना है कि वो क्या है। और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तुम्हारे पास है सिर्फ 5 सेकेंड। और सही आंसर है बेस टैक, क्योंकि सभी मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन्स का जो बेस टैक है वो ऑलमोस्ट 680 के करीब है या 680 है, पर इटर्निटस एक लौता ऐसा मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसका जो बेस टैक है वह है 690। क्वेश्चन नंबर टू, अब गाइस पोकेमॉन के एनिमे में स्टार्टर पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं और बहुत ज़्यादा खास भी होते हैं, बट पोकेमॉन के वर्ल्ड में कुछ ऐसे पोकेमॉन है जो कि स्टार्टर पोकेमॉन से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है या फिर काफ़ी कुछ बहुत ही ज़्यादा सिमिलर कह सकते हैं, तो तुम्हें वो बताना है कि वो पोकेमॉन कौन है। तो तुम्हारे पास है सिर्फ 5 सेकेंड। तो वो पोकेमॉन है सेमी सीड, सेमी पॉड और सेमी सीयर, क्योंकि ये तीनों ही पोकेमॉन भले ही यूनोवा रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन नहीं है, बट फिर भी इनमें जो सिमिलरिटी है स्टार्टर पोकेमॉन्स में वो इनमें भी है, जैसे कि इनके पास एबिलिटी है टोरेंट, ब्लेज और ओवरग्रो की, जो कि स्टार्टर पोकेमॉन्स में भी होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, अब तुम्हें ये बताना है कि जनरेशन वन का कौन सा वो वाटर टाइप पोकेमॉन है जो कि हुपा एंड अनबाउंड से बिल्कुल ही एक चीज़ सिमिलर है, मतलब दोनों में एक जो चीज़ है वो बिल्कुल ही सिमिलर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तुम्हारे पास है सिर्फ 5 सेकेंड। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ है, तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं बेस टैक या फिर कलर या फिर पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉडी की। तो सही आंसर है मेगा गैराडोस, क्योंकि यहाँ मेगा गैराडोस की जो हाइट है वो पूरी तरह से हुपा अनबाउंड से बिल्कुल ही मैच करती है, क्योंकि दोनों की हाइट ही 21 फीट 4 इंच है। क्वेश्चन नंबर फोर, अब पोकेमॉन वर्ल्ड का एक ऐसा मूव बताओ जिसका बेस पावर सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तुम्हारे पास है सिर्फ 5 सेकेंड। सही आंसर है एक्सप्लोजन, जिसका बेस पावर है 250 यानी कि 250। क्वेश्चन नंबर फाइव, अब गाइस पोकेमॉन में हमें अब तक 1000 से ज़्यादा एपिसोड देखने को मिल चुके हैं, 8 से ज़्यादा रीजन देखने को मिल चुके हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि पोकेमॉन एपिसोड 935 का नाम क्या था, यानी कि उस एपिसोड का जो नेम है वो क्या था। तो इस आंसर, तो ये आंसर देने के लिए आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड। तो उस एपिसोड का नाम है फॉर्मिंग अ मोर परफेक्ट यूनियन। तो गाइज यहाँ पर खत्म होता है हमारा राउंड टू सुपर हार्ड क्वेश्चन और शुरू होता है राउंड थ्री अल्टीमेट हार्ड क्वेश्चन। और गाइज मैं पहले ही बता दूँ कि इस राउंड में जो क्वेश्चन होंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, अब गाइज हमने कालोस रीजन में ऐश के बॉन्ड ग्रेनिंजा को तो देखा है और हमने देखा भी है कि ग्रेनिंजा कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो एक बॉन्ड इवॉल्व भी हो सकता है, बट गाइज आपका क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है पोकेमॉन वर्ल्ड का एक ऐसा मेगा इवॉल्व पोकेमॉन जो कि एक चीज़ में ऐश के बॉन्ड इवॉल्व ग्रेनिंजा से बिल्कुल ही सिमिलर है, मतलब वो जो एक चीज़ है वो ग्रेनिंजा और उस मेगा इवॉल्व पोकेमॉन दोनों में ही सिमिलर है।
तो सही आंसर है मेगा अलकजाम, क्योंकि मेगा इवॉल्व होने के बाद जो ग्रेनिंजा है, बॉन्ड ग्रेनिंजा, उसका जो बेस टैक है वो 110 से इंक्रीज होता है, और सेम चीज़ मेगा अलकजाम में भी होता है, बाकी मेगा इवॉल्व पोकेमोन के साथ ये चीज़ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर टू, तो गाइज अभी आपका क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है पोकेमोन वर्ल्ड का कौन सा ऐसा पोकेमोन है जिसकी कोई भी वीकनेसेस नहीं है, मतलब टाइप में बता रहा हूँ, टाइपिंग में उसकी कोई भी वीकनेसेस नहीं है। पहले बता दूँ मैं आरसीस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोग बात करेंगे आरसीस की तो वो एक नॉर्मल टाइप है, वो फाइटिंग टाइप से कमज़ोर है, टाइप की बात कर रहा हूँ। तो आपको बताना है कि टाइपिंग में कौन सा ऐसा पोकेमोन है जिसकी कोई भी वीकनेसेस नहीं है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और सही जवाब है इलेक्टॉस। गाइज इलेक्टॉस यूनोवा रीजन का एक पोकेमोन है, और ये एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। अब भले ही ये इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, बट इसकी जो कमज़ोरी है टाइपिंग में वो कमज़ोरी है ग्राउंड टाइप। इलेक्टॉस के पास एक एबिलिटी है जिसका नाम है लिवेटी, और इस एबिलिटी की मदद से इलेक्टॉस पर कोई भी ग्राउंड टाइप मूव यूज़ नहीं हो सकता। तो इसलिए कह सकते हैं कि इलेक्टॉस एक तरह से उसके पास कोई भी वीकनेसेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री, अब गाइज हमने पोकेमोन कालोस रीजन में देखा है कि जो अलान का चार्जर एक्स का जो ब्लास्ट बन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसी अटैक की मदद से चार्जर ने कई बार ग्रेनिंजा को बैटल में डिफीट किया है, और कई सारे पावरफुल पोकेमोन्स को भी बैटल में डिफीट किया है। बट यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है कि आपको बताना है कि किस बैटल में ब्लास्ट बन का जो असर है वो किसी भी तरह नहीं हुआ, और एक तरह से कह सकते हैं कि ब्लास्ट बन का जो है वो पोपट हो गया। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो सही आंसर है डोराकैट वर्सेस प्रोफेसर कुई का इंसेनेरियो का बैटल। तो गाइस पोकेमोन सन एंड मून में ऐश का डोराकैट वर्सेस प्रोफेसर कुकुई का इंसेनेरियो का बैटल होता है, जहाँ पर इंसेनेरियो ब्लास्ट बन यूज करता है और जो डोराकैट है वो उस अटैक को अब्जॉर्ब करता है, मतलब होता है ब्लास्ट बन, उस अटैक को डोराकैट अब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ब्लास्ट बन का है ना वो पूरी तरह से पोपट हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर, अब गाइज आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा वाटर टाइप पोकेमोन है जो कि एक ही बार में सांस रोककर 10,000 फीट पानी के अंदर जा सकता है और वहाँ पर रह सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है सिर्फ 5 सेकंड। और सही आंसर है वेलॉर्ड। वेलॉर्ड की पोकेडेक्स एंट्री में ये बताया गया है कि वेलॉर्ड 10,000 फीट अंदर जाकर समुद्र के अंदर रह सकता है सिर्फ एक ही बार सांस लेकर। क्वेश्चन नंबर फाइव, तो गाइज आपको बताना है कि नॉकटाउल किस टाइपिंग का पोकेमोन है। आपके पास है 4 ऑप्शन, ए नॉर्मल और फ्लाइंग, नंबर बी नॉर्मल साइकिक, नंबर सी फ्लाइंग और साइकिक, या नंबर डी सिर्फ फ्लाइंग टाइप। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है सिर्फ 5 सेकंड। और सही आंसर है नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है नॉकटाउल। एंड गाइस यहीं पर ख़त्म होता है हमारा आज का पोके क्विज़, जो कि था 2020 का मेरा पहला पोके क्विज़ और ये शायद आखिरी भी था। एंड अगर इस वीडियो में अच्छा खासा सपोर्ट मिला तो 2023 में भी इसका पार्ट 3 ज़रूर भी आएगा, मतलब ज़रूर आएगा। और एंड होप करता आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।